है, रोज एंड कॉलम्स मिलके जो है वो एक टेबल बनता है। एक्चुअली डेटाबेस जो होती है वो क्या होती है, वो उसके अंदर एक टेबल हो सकता है या बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। तो ये अभी हम सपोज करें कि डेटा रखा कैसे जाता है डेटाबेस में, टेबल की फॉर्मेट में रखा जाता है, तो मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। तो इसमें आप ये जो चीज़ है ये कहलाती है रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड और रोज ये एक ही चीज़ है। मिसाल के तौर पर मैं इस लाइन को डिफाइन करूँ कि ये SID जो है वो 50,000 है, नेम जो है वो ये है, इसका जो लॉगिन है वो ये है, इसकी एज ये है, इसकी GPA ये है। लेट सपोज मैंने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखी है और SID और नेम के थ्रू रखी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये वाली जो चीज़ें ऊपर है SID, ये कहलाएगी फील्ड एट्रीब्यूट्स या कॉलम, और ये वाली जो चीज़ है जो रो वाइज है, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड को जाहिर कर रही है, तो ये जो चीज़ कहलाएगी रिकॉर्ड्स, रो और टपल्स। ये लिखा हुआ तो TUP है, लेकिन ये पढ़ा ए ए प्रोनाउंसिएशन ए वाला होता है, टपल्स। सही, टपल्स का मतलब भी आपके पास जो होता है वो रिकॉर्ड होता है या रो होता है। तो ये हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड है। तो हमेशा याद रखें लाइन कैसे होती है, लाइन हॉरिजेंटल होती है। कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं कॉपीज में देखते हैं तो वो नॉर्मली आप हॉरिजेंटल ही होती है ना, तो इसलिए इसको रिकॉर्ड और रो को सेम ही नाम, मतलब उसी के नाम से आप आर दोनों आर से स्टार्ट हो रहे तो दे सकते हैं। वैसे एक रिकॉर्ड को टपल भी कहते हैं। ऐसी जो ऊपर वाली जो चीज़ होती है जो आप वर्टिकल वे के अंदर कहते हैं, उसको कहते हैं फील्ड एट्रीब्यूट्स या कॉलम। ये तीनों में से कोई भी नाम हम यूज कर सकते हैं। सही है, ये फील्ड क्या, जैसे SID फील्ड है, नेम है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने इस फॉर्मेट के अंदर स्टोर की है। तो पहली बात तो ये है कि ये ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है कि जो कॉलम है उसी के अंदर वो चीज़ आ रही है। लेट सपोज नेम का कॉलम है तो वो नेम ही में आ रहा है, ये नहीं है कि किसी नेम में आपने SID डाल दी हो। तो एक बात तो ये ऑर्गेनाइज है। तो ऑर्गेनाइज डेटा क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज यही होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब सपोज करें इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि हमारे पास वर्ड के पेजेस हैं, सपोज करें कि 25 पेजेस हैं। 25 के अंदर जो है ना सेंटेंस वाइज ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ID जो है ये है, और इनका नाम ये है, और इनका जो है वो लॉगिन ये है, और एज ये है, और GPA ये है। लेट सपोज ये हमने सेंटेंस वाइज लिखा हुआ है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप ये बताएं कि कितने कितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उनके नाम बता दें। तो आप जब आप वर्ड के अंदर ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जाएंगे वर्ड के डॉक्यूमेंट में, तो फाइंड रिप्लेस कर करके जो है वो आप थक जाएंगे। और ये तो सिंपल, आपके पास 4-5 रिकॉर्ड है, 6 रिकॉर्ड है, लेकिन अगर फर्ज करें कि ये ही रिकॉर्ड जो है वो आपके पास 1,000 रिकॉर्ड हो MS Word में, तो उसको फाइंड आउट करना बड़ा मसला होगा। लेकिन जब हम इस फॉर्मेट में रख लेते हैं डेटा को, तो उसमें ये होता है ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, तो हम खाली ये पूछते कि नेम वो जो जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं वो बता दें। सही है, या जिनकी एज जो है वो ग्रेटर देन जो है वो 20 है या लेस देन 20 है वो बता दें। तो ये वाले आप बड़े आराम से जो इंफॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये डेटा हो गया। और ये जो हो गई क्वेश्चन करना या क्यूरी करना कि वो तमाम नाम हमें, वो तमाम स्टूडेंट बता दें जिनकी एज जो है वो 18 ईयर से कम है। अब इसमें 18 ईयर से कम ये दो आ रहे हैं, तो वो आपको जो है ना डेटाबेस ये शो कर देता है। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन जो कन्वर्जन है वो बहुत ज़्यादा आसान होती है। ये मेरी बात जिसको समझ में आ गई है, वर्ड MS Word वाली, और ये कि हम बड़े आसानी से डेटा जो है इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मुझे 3 लिख के बताइए। 3 अब्दुल्ला, अली अकबर और रहमतुल्ला मार। यार अनस, ये लोग तो फौरन जो शुरू शुरू के जवाब है ना, अब यही का भी आया गुड, तो ये लोग तो फौरन दे देते हैं। हालांकि हमारे पास जो है स्टूडेंट होते काफ़ी हैं, लेकिन जवाब जो है वो 2-3 से ही आ रहे होते हैं। खैर, आपकी क्लास में ये जो 3-4 मैंने नाम लिए, ये लोग जो है ये फौरन ही नाम जो है वो दे देते हैं आंसर। इसका मतलब ये कितना कंसंट्रेट करते हैं बात की तरफ, की जो बात की जा रही है, और यही जो है ये एक्चुअली मतलब इम्पोर्टेंट होती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। दोबारा रिपीट करता हूँ, अभी मैंने पूछा कि 3 राइट कर दें, तो रहमतुल्ला एक और स्टूडेंट है, 1692, सही है, मोहम्मद अली है ये, सही है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं फौरन जवाब दे रहे हैं। अली अकबर ने दिया, सही, अब्बास ने दे दिया, शहरयार ने दे दिया, सही है। इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट नाम है,
अनस अब्दुल जब्बार, ये देखें शायर यार, तो ये आंसर देते हैं। बाकी जो है नहीं दे रहे होते तो इसका दो मतलब होते हैं, या तो ये कि वो सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, या फिर वो लोग मतलब ये कि म्यूट करके और खामोशी से बैठे हैं या दूसरा वर्क कर रहे हैं साथ में, या मे बी पॉसिबल मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो देखें कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल सुने, एक एग्जांपल मैं देता हूँ इसकी, कि जो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो मतलब नहीं पढ़ रहे होते या सही तरीके से बात नहीं सुन रहे होते या कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपसे मैं पूछूंगा अभी ये एग्जांपल ना, तो देखता हूँ कौन कौन जवाब देता है। इसलिए अगर कोई इधर उधर है तो आ जाए और गौर से सुने। देखे आप किसी 5-स्टार होटल में जाते हो, आप बहुत अच्छे खाने का ऑर्डर दें जो कि तकरीबन 10-15 हज़ार का, उसके बाद आप वो क्या करें, वो आप जब आ जाए सब लग जाए तो खाए पिए बगैर उठ के चले आए और उनकी पेमेंट भी कर दें और वेटर को टिप भी दे दें। ऐसा कोई अगर कोई पर्सन, चले आप अपनी एग्जाम्पल छोड़ें, आप लोग कोई पर्सन अगर आप डेली करता है ये काम, तो और वो अगर चाहे तो किसी को मतलब किसी के यूटिलाइज के लिए भी दे सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ ऑर्डर देता है, वहाँ बैठता है, खाना वाना लगता है, उसके बाद वो उठता है और वापस आ जाता है। सही है, तो आपके ख्याल में वो जो है ऐसा शख्स जो है वो अकलमंद है या बेवकूफ़? अकलमंद के लिए जो ए लिख दें, बेवकूफ़ के लिए बी लिख दें। अच्छा, अब किसने ए लिखा है? एक ए भी आ गया। हाँ, ये अकलमंद कौन कह रहा है? एक मिनट में देख रहा था। अब्बास साहब जो है वो कह रहे हैं कि वो अकलमंद है। गुड, वेरी गुड। चलें जी, अब्बास साहब को देखते हैं कि क्या इन्होंने क्यों वेरी गुड लिखा। ये हट के ही आंसर लिखते हैं ज्यादातर। खैर, अच्छा रिपीट ये मैं क्या करूं, रिपीट ये किया कि मैंने एक बंदा जाए वो 5-स्टार होटल में अच्छे से खाने का ऑर्डर दे, 10 हज़ार रुपये का वहाँ पे रखा हुआ टेबल के ऊपर, वो उठ के आ जाए, तो वो अकलमंद है या बेवकूफ? तो ज्यादा सब बच्चों ने जो है वो बी लिखा है। एक एक आध साहब जो है वो जरा हटके होते हैं ना क्लास में, एक आध तो एक स्टूडेंट होता ही है, उसने जो है वो ए लिख दिया। तो उसने जो है वो ए लिख दिया। सही है, अच्छा खैर अब मेरी बात सुने। चलें खैर, बी लिख दिया दोबारा। अच्छा अब मेरी बात सुने, बात यह है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो स्टूडेंट इधर बैठे हुए हैं ना, जो सुन रहेंगे, और उन्होंने इतनी ज़्यादा जो है वो फीस वगैरह दी है, तो ये फीस भी कम नहीं होती पर डे के हिसाब से भी आप देखें, वो इतनी मतलब ये नॉलेजेबल बातें उनके सामने हो रही होती है, एटलीस्ट उनको इन्होंने एडमिशन लिया है तो उसी हवाले से जो है पर कोर्स की इंफॉर्मेशन इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। और जो सिर्फ इसको जो है ना बिल्कुल ही तवज्जो नहीं देते, कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल उन्हीं लोगों की तरह है जो मैंने दिया है, तो इसलिए प्लीज आप लोग कंसंट्रेट किया करें। आप में से ज्यादातर लोग कंसंट्रेट करते हैं वो सही है, जो कंसंट्रेट नहीं करते हैं उनके उसी एग्जाम्पल है जो मैंने दी है, एक साथ की जो डेली जाते हैं होटल के अंदर, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने के बाद जो वो एज इट इज छोड़ के आ जाते हैं। तो ये अगर आप कुछ लेते नहीं है इस लेक्चर से या समझते नहीं है, आपके अंदर कोई नई चीज़ आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ा रहे होते, तो वो गलत चीज़ होती है। तो ये एग्जाम्पल जिन लोगों को समझ में आ गई है वो 2 लिख के तो बताएं। सही है, और उम्मीद है आप लोग जो बिल्कुल आंसर नहीं देते वो ख्याल भी करेंगे, और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा सही एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए। अच्छा खैर, हम इधर जो है वो टेबल तो उन लोगों ने देख ली, रिकॉर्ड भी देख लिया, अब जो है वो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। और इसके अंदर जो है वो ये है कि ये जो टेबल की है, पहले वो इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज टेबल। तो ये है टेबल ना, ये एम्प्लॉय का एक इन्फॉर्मेशन है, डेटा है। ठीक है, अब हमने 2 टेबल बनाए, एक डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं, तो ये 2 टेबल है। डेटाबेस में किस फॉर्म में डेटा रखा जाता है, उसका आंसर है टेबल के फॉर्म में। टेबल क्या होता है, डबल डायमेंशन होता है रोज एंड कॉलम्स का। ऊपर वाले जो चीज़ है एम्प्लॉय आईडी, ये क्या है, ये कॉलम है, एम्प्लॉय नेम कॉलम है। रिकॉर्ड क्या है, 100, ये इसका नाम, इसका एरिया, सो ऑन। और ये डिपार्टमेंट क्या जाहिर कर रहा है, डिपार्टमेंट जो है वो ये जाहिर कर रहा है कि अगर इसमें ये लिखा है कि इसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है,
तो दूसरा हमने एक टेबल बनाया, उसमें ये बता दिया कि डिपार्टमेंट नंबर 10 जो है वो अकाउंटिंग का है, सही है, ऐसे ये 20 जो है वो क्वालिटी का है। तो इस तरीके से जो हमने दो फिर डिवाइड कर दिए इन्फॉर्मेशन को ना, और ये भी डिवाइड भी किया जाता है, ये रूल होता है, क्योंकि हम इसके अंदर बाद में एक रिलेशन बनाते हैं जिसको हम रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके पास जो ये वर्किंग कर रहा हो, अच्छा ठीक है, जो आपके पास ये तमाम वर्किंग कर रहा हो, उसका नाम क्या रखेंगे? जब हमारे पास वर्ड प्रोसेसर होता है, जैसे एमएस वर्ड है, तो वो उसको मैनेज करता है आपकी टाइपिंग वाइपिंग को, तो उसको कहते हैं आप वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये DBMS इन्फॉर्म कहलाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि जो है वो ये वर्किंग करता है या डेटा को स्टोर करता है, या डेटा को स्टोर के साथ साथ क्या करता है, अगर आपको याद हो हम लोगों ने ये वाली एग्जांपल देखी थी जिसके अंदर जो था डेटा स्ट्रक्चर के अंदर था यूज़ किया था। तो फर्स्ट करें सी शार्प में जो है दो टाइप की एक एप्लीकेशन होती है, एक होती है विंडोज़ फॉर्म, जैसे आप ये है विंडोज़ फॉर्म भी आप बना सकते हैं, ठीक है, और विंडोज़ फॉर्म के साथ साथ जो है वो आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जो नॉर्मली आप कंसोल डॉट रीड लाइन और राइट लाइन के थ्रू कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डेटा हमने एम्प्लॉय का इनपुट करा हुआ है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो ऐड कर रहे हैं लेट सपोज, ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट हो जाएगा, डिलीट करेंगे तो डिलीट, क्लियर, सो ऑन। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर याद हो डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन के अंदर हमने क्या चीज़ देखी थी, हमने ये देखा था इंसर्शन देखी थी, इंसर्ट इन अ रिकॉर्ड, ठीक है, और उसके अलावा अपडेशन देखी थी, डिलीट देखी थी, जो भी हमने तमाम वहाँ पे ऑप्शंस देखे थे इसके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने यूटिलाइज किया था, ठीक है, तो वो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? सबसे पहली बात तो ये कि वो रीड कर सकता है, रिट्रीव को मैंने पहले भी बताया था, रिट्रीव का मतलब है रीड करना, रिकॉर्ड रिट्रीव करने का मतलब है या डेटा रीड करना। अच्छा रीडिंग किस काम आ रही होती है, या तो सर्चिंग के काम आ रही होती है। ट्रैवर्सिंग हमने क्या कहा था, ट्रैवर्सिंग हमने कहा था कि तमाम के तमाम जो आपके पास रिकॉर्ड हैं, ठीक है, जितने भी आप रिकॉर्ड हैं, तो उस रिकॉर्ड्स को जो है वो आप वन बाय वन जो प्रिंट कर रहे हैं, इस चीज़ का नाम हमने रखा था, सही है। तो ये देखें ये हमारे पास था ट्रैवर्स का था प्रिंट ऑल रिकॉर्ड, सही है। अच्छा ये ज़रूरी ऑपरेशन किस लिए होता है, ये रीडिंग के लिए भी होता है और राइटिंग के लिए भी होता है, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए होता है। उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास क्या है, इंसर्शन इन न्यू रिकॉर्ड ऐड करना, डिलीशन पुराना रिकॉर्ड या डिलीट करना, अपडेशन एडिट करना, सर्चिंग। तो अगर आप ये देखें तो ये ऑप्शन जो है वो सब के सब हमने जो है वो यहाँ पे देखे हुए भी थे, ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। तो ये तमाम ऑपरेशन जो है किसके अंदर बिल्ड इन होते हैं, या किस तरीके से जो किसके मेन फंक्शन होते हैं, ये वाले रिकॉर्ड जो मेन फंक्शन है वो आपके हो रहे होते हैं डेटाबेस के, ठीक है, डेटाबेस के जो फंक्शन है अगर आप उसके अंदर देखें, तो ये वाले जो फंक्शन हमने अभी देखे थे कि रिट्रीव डेटा, डेटा को रिट्रीव करना, ठीक है, एडिट करना, ऐड करना, डिलीट करना, स्टोर करना, तो ये वो सारे काम करता है। अब ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये टेबल का स्ट्रक्चर है, यानी कि डबल डायमेंशन एरे भी कहते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो ये उसके अंदर जो है वो स्टोर करता है डेटा को, और स्टोर करने के बाद ये तमाम चीज़ें फीचर आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर बिल्ड इन होते हैं, सर्चिंग भी ये बिल्ड इन होती है, एडिटिंग भी बिल्ड इन होती है, तो इसलिए जो है वो अटेक। रीज़न क्या है, हमें इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए कि तमाम अब इसके बगैर पॉसिबल नहीं है, जितनी भी आपके पास इस इंटरनेट है वो डेटाबेस के अंदर ही स्टोर है ना, चाहे वो कहीं कहीं की भी इंफॉर्मेशन हो, बहुत कम इंफॉर्मेशन ऐसी है जो स्टैटिक होती है, स्टैटिक पेजेस भी होते हैं हमारे पास, जैसे आप बनाएंगे विदाउट डेटाबेस बनाएंगे एक साइड। अब स्टैटिक और ये डायनामिक पेजेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, उसमें ना खाली टाइप होता है, लेट सपोज जो भी हमें नज़र आ रहा है वो टाइप है, तो इसी को हम इमेजेस डाल के जो एक वेबसाइट बना दें लेट सपोज, तो ये क्या होगा, ये स्टैटिक कहलाएगा। और फॉर एग्जांपल आप एक साइड ये बना रहे हैं जो करंट टेम्परेचर इस वक्त कराची में हो रहा है वो अपडेट होता रहे, तो उसके अंदर क्या करेंगे आप, एक जो है वो थर्मामीटर या इस तरीके की कोई चीज़ टेम्परेचर की डिवाइस वगैरह लगा देंगे, और उससे जो रीडिंग आ रही होगी वो क्या करेंगे आप डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे या डालेंगे, और उस डेटाबेस के बेस के ऊपर जो वेब पेज बना हुआ होगा जो वहाँ से रीडिंग ले रहा होगा वो क्या होगा, वो रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो साइट देखी हो,
कि वो फौरन अपडेट हो जाती है कि जो भी प्राइस वगैरह चेंज हो रहे होते हैं, सही है, या फॉरेन करेंसीज वगैरह होती हैं, फॉरेक्स जिसको आप कहते हैं, वो अपडेट जो भी हो रही होती हैं उस हवाले से भी जो है वो अपडेशन मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी साइड होती हैं, डायनेमिक होती हैं, फॉरन आपको जो अपडेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं, लाइव साइड एक तरीके से लाइव होता है, तो वो कहलाती है डायनेमिक, जो कि बेस करती है डेटाबेस से, जिसके अंदर डेटा, जो डेटा आता रहता है वो अपडेट होता रहता है, उस चीज को कहते हैं डायनेमिक। तो आपने ऐसे नहीं बनानी है, आपने स्टेटिक ही बनानी है। स्टेटिक का मतलब ये है कि तमाम चीजें जो है आपकी डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं होंगी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट रीजन क्या है, हर बिजनेस को चाहिए। बिजनेस को क्यों चाहिए, जो बेसिक डेफिनेशन है कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, उनके पूरे दिन की सेल्स होती है, तो वो एंड में ये चाहते हैं कि पता चल जाए कितनी सेल्स है, या कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुई है, या कौन सी प्रोडक्ट उनकी इन्वेंट्री में कम हो गई जिसका उनको ऑर्डर करना है। तो इसलिए जो है ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में होती है, ठीक है। और क्योंकि आप लोग इसके साथ प्रोग्राम भी बना रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर भी बना रहे होते हैं, तो वो तमाम का तमाम जो है वो स्टोर हो जाता है। किसमें हो जाता है स्टोर, वो डेटाबेस के अंदर हो जाता है, लेकिन डेटाबेस से इंफॉर्मेशन जो है वो कौन ला के देता है, वो ला के देता है आपके पास आपका सॉफ्टवेयर, जो आपको इफ देन एल्स वगैरह के थ्रू जो है वो बना रहे होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक और जो है वो इमेज दिखाता हूँ, मैंने पॉज किया हुआ है जरा, ठीक है, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाँ यहीं पे है, बता देता हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। ये वही वाली इमेज है जो अभी हम लोगों ने देखी थी, जिसके अंदर जो है वो हमने डेटा ले रहे थे। अब ये डेटा जो है वो ऐड आपने रिकॉर्ड किया या डिलीट करेंगे तो ये फॉरन कहाँ होगा, ये डेटाबेस बनी हुई है, ठीक है। अगर नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगा सबसे लास्ट रिकॉर्ड के बाद, ऐड न्यू करने के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नया रिकॉर्ड है, और अगर जो है वो आप इसको इसके अंदर कोई चीज़ एडिटिंग करेंगे, सही है, फॉर एग्जाम्पल इसकी हायरिंग डेट या इसका जॉब का टाइप हो, तो फॉरन अपडेट हो जाएगा। किसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो वो इस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। सर्चिंग का ऑप्शन यहाँ पे हमने उसमें भी देखा था, जब पहले इमेज को देख रहे थे, कि जब आप सर्चिंग करेंगे और सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो इसमें मल्टीपल सर्च भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप ये बताएं कि जो जो तमाम लोग जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन कौन है, तो इसका आंसर जो वो डिस्प्ले करेगा वो ये एक इस वाले रिकॉर्ड को करेगा, एलन वाले रिकॉर्ड को, और एक जो है वो एडम्स वाले रिकॉर्ड को करेगा, क्योंकि ये दोनों नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं ना। और अगर आप इनसे ये पूछेंगे, क्यूरी देंगे या सर्चिंग करेंगे कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन से जो है वो मैनेजर्स हैं, तो ये मैनेजर इसको शो कर देगा, जॉन्स को शो कर देगा, ठीक है, और ये क्लार्क को शो कर देगा, इस तरीके से जितने मैनेजर हैं वो शो कर देगा। आप बोलेंगे ये डॉलर्स में सैलरी है, अगर आप बोलेंगे कि लेट्स सपोज वो वाली सैलरी शो कर दे जो बिटवीन 1,000 एंड 1,500 हो, तो वो आपको जो है ये 1,500 वाली शो कर देगा, ठीक है, और 1,000 से अबव होनी चाहिए ना, ये वाली शो कर देगा, यानी ये दो और ये तीसरी, यानी बिटवीन 1,000 एंड 15,000 ये आएगा, तो ये पूरे रिकॉर्ड शो कर देगा। तो इस तरीके से जो ये इंफॉर्मेशन स्टोर भी करता है और सर्चिंग भी बिल्डिंग होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो है ये आप कर लेते हैं। तो ये आप समझ लें कि ये आप किस चीज़ में बनाते हैं, ये ऐसा फॉर्म वो बनाते हैं सी शार्प पे। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी बना सकते हैं, अभी मैं इसको डिटेल में और बता रहा हूँ। अच्छा, ये बनाते हैं सी शार्प में, ये डेटाबेस जो है वो डिफरेंट, आप डेटाबेस आती हैं, अभी हम उनके नेम देखेंगे, उसमें आप बना सकते हैं। तो ये जो डेटा आप स्टोर करेंगे ये यहाँ पे जो है स्टोर होता जाएगा, लेकिन उसके आपको पता है कि मल्टीपल जो है वो उसके अंदर फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें किसका नज़र आ रहा है, इसमें एम्प्लॉय का नज़र आ रहा है। एक एम्प्लॉय से तो आपका सॉफ्टवेयर ही नहीं चलता ना, अब उसके अंदर ये भी है आपके पास के आपने उसकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन रखी होगी, उसका अलग टेबल होगा, ठीक है, और उसके अंदर जो है डिफरेंट आपके पास जो है क्लाइंट्स उनकी या कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, सारे बिजनेस उसका अलग होगा, जहाँ से वो लोग खरीदते हैं उसको वेंडर्स कहते हैं या सप्लायर कहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन वो अलग होगी। तो इस तरीके से जो बिजनेस सॉफ्टवेयर है वो, और हर एक का टेबल भी अलग होगा, एक एम्प्लॉय का टेबल है, तो ऐसे जो आपके पास
प्रोडक्ट का लादा होगा, एक टेबल वेंडर का लादा होगा, क्लाइंट का लादा होगा। तो ये तीन चार तो बिजनेस के अंदर जरूरी चाहिए होते हैं टेबल जो बनते हैं, सही है। तो ये सारे डेटा यानी फॉर्म भी सबके अलग-अलग बनेंगे, लेकिन ये आप किसमें सी शार्प में बनाएंगे और स्टोर का करेंगे किसी डेटाबेस में करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी किसी हद तक है, अभी मैं डिटेल में बताता हूँ, ओरेकल है। तो ये जो है, ये मैंने नाम किस चीज़ के लिए, ये सॉफ्टवेयर जो है वो डेटाबेसिस के हैं, सही है। ये सब के सब DBMS है या RDBMS कह लें, जिसके अंदर रिलेशन भी शामिल होती है। तो ये जो है इसकी एग्जांपल। अच्छा, ये बनाने का तरीका भी है कि कैसे, पहले आप करेंगे क्रिएट अ टेबल। क्रिएट टेबल क्या करते हैं, जैसे आप जो अपने प्रोग्राम के अंदर मार्कशीट का प्रोग्राम होता है, उसको अंदर आपको पता है आपको रोल नंबर चाहिए, आपको नेम चाहिए, अगर 3 मार्क्स आप लेना है तो 3 मार्क्स चाहिए। तो आप क्या करते हैं, उनकी डेटा टाइप्स डिफाइन कर रहे होते हैं ना, स्टार्ट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं स्टार्ट के अंदर। तो इसी तरीके से जब आप फील्ड डिफाइन करते हैं तो फील्ड का भी तरीक़ेकार जो है वो यही होता है, ठीक है। आप जो है वो ऐसे ही डिफाइन करते हैं जैसे, लेकिन ये कि ये ज़रा मेन्यू ड्रिवन होता है, सही। मेन्यू जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सेस का एक है कि इसमें ये आपने कस्टमर आईडी दी हुई है, अब उसकी यहाँ से एरो से जो है डेटा टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है डिफरेंट है, बुलियन है, सही है, और डेट टाइम है, सही है, लॉन्ग टेक्स्ट है, ये सो ऑन, ये बहुत सारी आपके पास डेटा टाइप है। तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी को आपने नंबर ले लिया, फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, यहाँ पे आप जो है कस्टमर नेम दे दें। तो ये जो क्रिएशन है इसकी अब बहुत ईजी कर दी गई है, कि यहाँ पे आप जो है वो फील्ड का नाम रखें कोई, और यहाँ से उसकी डेटा टाइप सेलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से जो है ना, जैसे वहाँ पे आप सी शार्प में डिफाइन करते हैं INT AB, वो नहीं करने की ज़रूरत है, मेन्यू ड्रिवन आप ये कर सकते हैं। मेन्यू में आपको मतलब ये फैसिलिटी चाहे तो आप कमांड के थ्रू भी राइट कर सकते हैं, लेकिन जब ये फैसिलिटी होती है तो वो ज़रा आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने मतलब ये किस चीज़ की स्क्रीन है कि आप नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे पहले ये बता रहे हैं कि उसके कौन कौन से कॉलम होंगे। तो इसकी जो है एग्जाम्पल वो हम इसी में है, देख लेते हैं जो हमने जो है वो अभी देखी थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्रिएट टेबल्स करना। इसके अंदर क्या करते हैं आप, नेसेसरी फील्ड्स तमाम की तमाम जो है वो राइट करते हैं, ठीक है। यानी ये वाली फील्ड उसको बताएंगे एम्प्लॉय नंबर, ये क्या है, ये जो है नंबर है, फिर ई नेम बताएंगे ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को उसमें कहते हैं टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो अभी हमने देखी थी, यहाँ से टेक्स्ट करेंगे अगर आप ये वाली फील्ड दे रहे हैं। तो जब ये क्रिएट कर देगा, तो क्रिएट करने के बाद फिर आप जो है इसके अंदर क्या करेंगे, डेटा आप इसके अंदर जो है वो यूटिलाइज करेंगे या डेटा जो है वो डालेंगे। तो अगर आप इसके अंदर डेटा जो है वो सेव करते हैं, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा है, ठीक है, ये डेटा है, तो ये इसके अंदर जब आप सेव कर लेते हैं तो ये जो सेकेंड स्टेप जो है वो परफॉर्म हो जाती है, कि आपने स्पेसिफाई करी। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर आप सी शार्प के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो आप ये पहले क्रिएट फॉर्म भी करेंगे, सही है, वहाँ से जो प्रोजेक्ट टाइप है वो फॉर्म की सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो डायरेक्टली आप जो है उसके अंदर इनपुट डेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस में ये ऑप्शन मौजूद होता है, ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि आपके फॉर्म में वो डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, जब फॉर्म बन जाता है फिर आप तमाम चीज़ें चेक करते हैं, जैसे आपने ऐड का बटन प्रेस करा तो वो जो है ऐड हो रहा है, आप जो है ना कैसे पता चलेगा, ये ऐसे ही पता चलेगा कि जब जो है वो आप ऐसा फॉर्म सी शार्प में बनाएंगे, उसके बाद जब आप ऐड करेंगे तो आप टेबल ओपन करके देखेंगे, यानी डेटाबेस के अंदर, तो वो रिकॉर्ड अगर यहाँ पे आ रहा होगा, इसका मतलब है आपका ऐड ऐड का जो बटन सही वर्क कर रहा है, या आपकी कोडिंग बिल्कुल सही है। नहीं आ रहा होगा या कोई एरर आएगी, तो उस सूरत में आपको अपने कोड को जो है वो सही करना होता है। तो सी शार्प के अंदर ये तमाम की तमाम जो है वो कैपेबिलिटी दी हुई है, सही है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी की, हर एडवांस लैंग्वेज में दी गई है, जावा वगैरह में, सो ऑन। अच्छा, फिर डेटा कर दिया, अब ये मेन पोर्शन आ रहा है जो लिखा हुआ ना, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट का मतलब यहाँ इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन जो है क्या कहा जाता है, जर्नल, उसको जर्नली कहा जाता है MIS, यानी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और अगर बिजनेस सॉफ्टवेयर हो तो हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और अगर जो है वो आपके पास सॉफ्टवेयर कौन सा हो, अगर आपके पास नॉर्मल सॉफ्टवेयर हो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, तो वह कहलाएगा IS। IS का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, हो सके तो लिख भी लें अगर कोई सुन रहा है मुझे गौर से। MIS का मतलब है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, कोई सुन रहा है और साथ में अगर राइट भी यहाँ करता रहे ना, कि जैसे रहमतुल्ला है या अब्दुल्ला है,
सही है, अली अकबर है, इनमें से कोई राइड भी करता रहे कि जो लोग भी आंसर देते हैं कि ये जो है हमारे पास है, MIS का ये मतलब है, तो मैं शेयर अगर पॉसिबल हो तो उसको शेयर कर दूंगा एवरीवन के ऊपर। और IS का मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखें बात ये है कि हर सिस्टम आपको इंफॉर्मेशन तो देता है, सही है ना, इंफॉर्मेशन आपको जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने टेम्परेचर का बताया कि टेम्परेचर है जो है वो चेक करके दे रहा है, वेदर की कंडीशन चेक कर रहे हैं, वेबसाइट है डिफरेंट वो चेक करके दे रही है, इन्फॉर्मेशन तो हर हर वेबसाइट पे आपको मिल रही है ना। लेकिन अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पास जिसके ना प्रॉफिट और लॉस बताता है, तो उसको MIS कह देते हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट जितने जो वर्ड आता है वो ज़्यादातर बिजनेस में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी जा सकती है, इसमें जो आपके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो अभी हम लोगों ने देखी थी, सही है, ये वाली इन्फॉर्मेशन के वो ये बोलेंगे कि जी मुझे मेरी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बता दें कि 1,000 से 1,000 से लेके और 15,000 के दरमियान कितनी है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है ना, सही है, गुड, अली अकबर ने जो है मुझे राइट करके दे दिया, तो मैं जो हूँ उसको एवरीवन पे शेयर कर देता हूँ, ताकि जिन लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं है तो वो लोग एटलीस्ट ये तो करेंगे, उनको ये मैसेज तो पहुंचे कि हमने ये चीज़ डिस्कस तो की है ना। और ये अगर आप लोग अपने पास कॉपी करके रखें तो और अच्छी बात है। तो ये मैंने एवरीवन पे डाल दिया है। अच्छा, ये मैंने वेटिंग रूम पे डाला है। वेटिंग रूम में कौन है? वेटिंग रूम में तो एक ही स्टूडेंट, मुझे एवरीवन इन मीटिंग डालना था। ठीक है, अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जब नज़र आ रहा है तो इसको अपने पास कॉपी पेस्ट कर लेना, देखें आपके पास मैसेज आया होगा एवरीवन पे। अच्छा, तो ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होगी हमारे पास। अब जो है वो ये बात करते हैं कि डेटा बेसिस जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो डेटा बेसिस जो है नॉर्मली एक आपके पास जो है इंडिविजुअल या पर्सनल डेटा बेसिस को कहते हैं, या आप डेस्कटॉप डेटा बेस कहते हैं, एक तो वो होती है, सही है, उसके अंदर आप बहुत लिमिटेड वर्किंग कर सकते हैं, ज़्यादा जो है वो डेटा को सपोर्ट नहीं करता इसकी जो आपके। और दूसरी जो होती है वो इंटरप्राइज होती है, इंटरप्राइज डेटाबेस वो होती है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, मल्टीनेशनल और यानी बल्क ऑफ डेटा उसके अंदर आ जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये DBMS दो टाइप के आपके पास हैं। अच्छा, जो पहली वाली एग्जाम्पल है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है, सही है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, ये पर्सनल पर्सनल डेटाबेस है, सही है, पर्सनल डेटाबेस का मतलब ये डेस्कटॉप है, ये आप अपने जो है छोटे ऑफिस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है ज़्यादा एम्प्लॉयज वगैरह ना हो या इस किस्म की कोई मसला हो, सही है। और जो आपके पास बड़ी वाली डेटाबेसेस होती हैं जो इंटरप्राइज लेवल के ऊपर होती हैं, उनमें एक का नाम, एक तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, सही है, माइक्रोसॉफ्ट वालों की। एक है MySQL, MySQL जो है वो PHP के साथ यूज़ होती है वेब पेज डिजाइनिंग के लिए, लेकिन ये भी बड़ी पावरफुल है और ये ओपन सोर्स है, सही, फ्री है ये, हाँ कोई भी यूज़ कर सकता है। और एक जो और बड़ा नाम है डेटाबेस बनाने वालों में वो है ओरिकल की, उन्होंने अपने डेटाबेस का नाम, कंपनी का नाम भी ओरिकल है, डेटाबेस का नाम भी ओरिकल है। तो ओरिकल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बहुत ज़्यादा पहले से है, सही है, वो आई थी 90s के एंड में आई थी, और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर उसके बाद आया, सही है, तो ये भी बड़ी पावरफुल है। और एक IBM ने अपने, लेकिन ये इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है ना, इतनी जो है वो यूटिलाइज होती है, IBM ने भी जो है वो बनाई थी, उसका नाम उन्होंने रखा था DB2, सही है। माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर सिर्फ जो है वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है, जैसे विजुअल सी चलती है, C# चलती है, सही है, विजुअल स्टूडियो .NET चलता है, वो होता है विंडोज। तो जब आपके पास, अच्छा, और किसी पे रन नहीं हो सकता, तो जब आपके पास और किसी पे रन नहीं हो रहा, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रहा है विंडोज के ऊपर, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट, यानी ये आपके पास जो है वो डिपेंडेंट है विंडोज का, अगर विंडोज नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा। जबकि MySQL और ओरिकल के अंदर ये फैसिलिटी है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे विंडोज हो, चाहे एप्पल हो, सब पे चल जाता है, और DB2 तो अगर हर ऑपरेटिंग के ऊपर चल जाए तो वो क्या कहलाएगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सही है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स के वो सॉफ्टवेयर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो सकता है, सही है, इट कैन रन ऑन एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। अली एक बार ये भी लिख के दे दें,
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो होता है जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होता है, डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिंपल एक के ऊपर चलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर सिर्फ विंडोज पे चल सकता है, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट सिर्फ विंडोज पे चल सकता है। सही है, तो ये आप लिख के दे रहे ताकि मैं ये भी शेयर कर दूँ। अच्छा फिर जो है वो, ये तो हमारे पास इसकी बात हो गई, अब जरा देखते हैं कि डेटा माइनिंग क्या है। तो यहाँ पे जो है वो एक इम्पोर्टेंट बात है डेटा माइनिंग के हवाले से, कि डेटा माइनिंग एक्चुअली है कि ये डेटा ही का पार्ट है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डेटा स्ट्रक्चर, यानी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर जो है ना, नहीं ये आपने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज डिपेंडेंट ऑन, सही है, और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेट, ठीक है, ये सही लिख दिया आपने, ये मुझे रहमतुल्ला ने भेजा, गुड। है ये मैंने एवरीवन पे डाल दिया, ऐसे ऐसे डेटाबेस या ये तो एसक्यूएल सर्वर लिखे, हर सॉफ्टवेयर जो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहलाता है, ये विंडोज ही पे चलता है इसलिए ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है एसक्यूएल सर्वर। अच्छा माई एसक्यूएल क्या है, वो इसलिए इंडिपेंडेंट है, और ओरेकल ये सारी इसलिए है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाती है। तो उम्मीद है ये भी आपको मिल गया होगा, ठीक है, एवरीवन से। अच्छा डेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के नाम लिखे जो हमने डेटा के हवाले से पढ़े, ये रहमतुल्लाह नोट कर लें या वो नोट कर लें, सही है, अली अकबर नोट कर लें, बहरहाल जो भी नोट कर लें, आप सबको इसके लिए फ्री है, मैं तो इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये जरा जल्दी जल्दी आंसर दें। देखें डेटा, डेटा से रिलेटेड जो अभी तक हमने सब्जेक्ट पढ़े, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा नंबर वन, डेटाबेस हम पढ़ लेंगे, ठीक है, नंबर टू ये नोट करते जाना, फिर डेटा माइनिंग ये क्या कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, अभी मैं बताता हूँ कि क्या है, फिर आप लिखें बिग डेटा। बिग डेटा जो है वो अभी भी एक हॉट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट समझा जा रहा है और नया है। उसके बाद लिखें डेटा साइंस, यानी पूरी साइंस ही उन्होंने डेटा को दे दी। तो ये जो है चार पांच तो मैंने आपको नाम बताए बताए बता दिए हैंगे, सही है, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस, डेटा माइनिंग, बिग डेटा और डेटा साइंस, सही है, गुड। तो ये जो है ये किससे रिलेटेड है, हम देखिए ये इतने सब्जेक्ट हैं, ये सब के सब जो है वो रिलेटेड किससे हैं, ये सब के सब जो रिलेटेड हैं डेटा से हैं, यानी डेटा की अब आप जो वो इम्पोर्टेंस जो है वो आप देखें ये कितनी है, ये मैंने एवरीवन पे शेयर कर ली कि जो भी डेटा डेटा के सब्जेक्ट, तो उसमें हमें ये सेकंड वाला डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, अब डेटा माइनिंग की मैं जनरल जो है वो डेफिनेशन देता हूँ, फिर ये बिग डेटा डेटा साइंस की भी हम लोग जो है वो बात करते हैं। एवरीवन के ऊपर जो है वो एवरीवन के ऊपर ये आप सबको मेरे ख्याल में मिल गया होगा ना, तो इसको आप अपने पास जो वो कॉपी पेस्ट करते रहें, बल्कि एक काम करें जितने वर्ड आपने ये नोट करें ना, इसको जो है वो ग्रुप पर भी डाल दीजिए, क्या नाम है आपका, लेकिन इसकी टेक्स्ट फाइल में डालिएगा ताकि कोई जो है वो उसको सर्चिंग करना हो तो कर ले, चाहे रहमतुल्लाह डाल दें चाहे अली अकबर डाल दें, कोई भी जिसने अपने पास नोट किया वो अपने वाले क्लास ग्रुप के ऊपर डाल दें या सर आजम के ग्रुप पर डाल दें, दोनों पर डाल दें ताकि ये भी पता चल जाए हमें कि ये हम लोगों ने जो है वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नोट भी नहीं कर सकें या जो क्लास में नहीं है वो भी इसको इससे एडवांटेज ले सकें, ठीक है। अच्छा व्हाट इज डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग जो है वो माइनिंग पता है आपको इसको कहते हैं, कि किसी चीज़ को जो है वो निकालना या तलाश करना, जो हम ज़मीन से निकालते हैं ना जिस तरीके से, इसलिए इसका वर्ड डेटा माइनिंग रख दिया गया। अब आपको पता है कि जो है एक तरीके से गोल्ड निकाला जाता है, सही है, और उसके अलावा जो है वो ऑयल निकाला जाता है, माइन किया जाता है, तो जिस तरीके से वो होता है, अच्छा ये क्या होता है, डेटा से आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं, लेकिन ये डेटा को बढ़ा दिया जाता है, डेटा माइनिंग क्या है,